Hello everyone, hope you all are doing good. टुडे लेट्स लर्न अबाउट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते क्या हैं जावा में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो हम पास करते हैं एट द टाइम ऑफ रनिंग द जावा प्रोग्राम एंड वी पास इट थ्रू द टर्मिनल अब जावा की इक्लिप्स आई में हमारे पास एक टर्मिनल है जहाँ पर हमारे को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज देनी है और वो हमारी वैल्यूज एज इनपुट काम करेगी जावा प्रोग्राम में सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट सो सबसे पहले यू कैन सी दैट दिस इज आर क्लास एंड दिस इज आर मेन फंक्शन So my class name is Java command line. Now here I will be telling you how we can pass the command line arguments. So we know that we are having this statement system. Out. Println. Here I will be writing first argument colon and then. आफ्टर दिस कॉल आई विल बी कंकैटिनेटिंग द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को कंकैट करना मतलब क्या तो ये एक हमारा डबल कोर्स में जो भी हम लिखते हैं वो हमारा स्ट्रिंग होता है जावा में और इसके साथ अगर मेरे को एक और चीज़ अटैच करनी है जो हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स है उसकी वैल्यू अटैच करनी है ऐड करनी है ज्वाइन करनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली कंकैटिनेट हम ऑपरेटर तो यूज करने वाले हैं प्लस लेकिन ये हमारे यहाँ प्लस ऑपरेटर ना होके कंकैटिनेशन ऑपरेटर होगा बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन स्ट्रिंग्स सो हम यहां पर लिखेंगे ए आर जी एस ऑफ जीरो अब यहां पर मैंने लिखा है ए आर जी एस ऑफ जीरो तो यहां पर आप देख रहे हो कि स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट हैं, और वो यानी कि अगर मैं यहां पर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो भी पास करूंगी वो क्या होगा वो ऑब्जेक्ट्स होगा किसका स्ट्रिंग टाइप का क्योंकि यहाँ पर ए आर जी एस कौन से टाइप का है स्ट्रिंग टाइप का है एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन सी दैट जो स्ट्रिंग है वो हमारी एरे टाइप की है तो ए आर जी एस ऑफ जीरो मीन्स दैट वट एवर वैल्यू आई विल बी पासिंग ओवर हेयर दैट विल गो टू जीरो इंडेक्स सो या अगेन फॉर अगेन वी विल बी राइटिंग द सेम थिंग एंड आई विल पास वन मोर आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज द सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो सेकेंड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट मैं पास करने वाली हूं वो कहां जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पर ऑल राइट सो आई विल बी हैविंग दीज टू थिंग्स एंड नाउ आई विल रन इट अगर मैं इसको रन करूंगी तो आई हैव टू क्लिक द रन बटन एंड देन रन कॉन्फ़िगरेशन। and then you will see this window will pop up after seeing this window what you can see that we are having this arguments over here so you have to click this arguments and this is the terminal actually where you can pro provide the program arguments i am writing java and after a space i will be providing द सेकेंड आर्ग्यूमेंट है इज क्लास सो इसका क्या मतलब है कि जब भी हमारे को आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पास करने हैं तो हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हमने प्रोग्राम में लिखे हैं बट वो कैसे होंगे स्पेस सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट यू कैन सी जावा स्पेस क्लास सो दैट मीन्स दिस जावा विल गो टू ए आर जी एस ऑफ जीरो एंड क्लास विल गो टू ए आर जी एस ऑफ वन दैट्स इट सो आई एम हैविंग टू आर्ग्यूमेंट्स ओनली टू पास आफ्टर दैट आई विल बी क्लिकिंग run button and you will see the output at the bottom you see first argument java second argument class also we are having different types of arguments that we can pass so here you can see that i have passed java and class which are of string type but yes we can pass primitive data types arguments as well like int float all those stuff that we will see in the next video so i will be summarizing all the things that i have told you through this program so these are the points. So you can go through it. And that's it for today's video. I will see you in the next video. Till then, stay safe and take a very good care of yourself. And you know the drill. Like, share, and subscribe. Thank you so much. Bye bye.